अखिलेश पर अमित शाह का पलटवार, कहा बीजेपी केवल मनभेद नहीं बल्कि मतभेद भी है, दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। एक बार फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 108 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल डीजल 97 रुपए के पास। अलीगढ़ में ठेकेदार ने की युवक से मारपीट, पैसे मांगने गया था युवक, घायल अवस्था में अस्पताल में युवक भर्ती। पाली में युवक से दिन दहाड़े लूट, बाइक सवार लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम, 20 लाख रुपए लेकर फरार हुआ आरोपी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चंदे के लिए 5000 रुपए न देने संबंधी अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम अपना मंदिर बनवाएंगे, उससे अच्छा मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर हमने बिना नक्शा पास कराए मंदिर बनवाया है, क्या उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। अखिलेश यादव पार्टी के मुख्यालय पर कांग्रेस और बसपा के नेताओं की ज्वाइनिंग पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में केवल मनभेद नहीं मतभेद भी है, ऐसा मतभेद है कि दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। सुनो तो ये भी है कि कुछ विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं और बदले जा सकते हैं। आपको बता दें, सारे विधायक भी अगर बीजेपी बदल देगी तब भी जनता बीजेपी को बदल देगी। तो अखिलेश यादव ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। ऐसे में आपको बता दें, कल लखनऊ अमित शाह पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि राम मंदिर में उन्होंने चंदा राम मंदिर के लिए नहीं दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा है कि हम अपना मंदिर बनवाएंगे, हमने बिना नक्शा पास करे मंदिर बनवाया है, तो क्या उस पर भी बुलडोजर चला दोगे। ऐसे में उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए ये भी कहा कि सुना तो ये भी है कि बीजेपी इस बार 100 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काट रही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जनता बीजेपी को ही हटा देगी। दो के चुनावी रण में सभी दलों ने बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं बीजेपी भी 2022 के रण के लिए पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव से मीटिंग करने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कानपुर देहात के सिकंदरा सीट पर अधिकार सम्मेलन का आयोजन कर यहां के ओबीसी वोटरों को रिझाने की पुरजोर कोशिश की। आपको बता दें कि सिकंदरा विधानसभा सीट पर जब से बनी है तब से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ना जीत पाई है ना मुकाबला दे पाई है। वहीं इस पर ओबीसी को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पुरजोर कोशिश दिखाते हुए उनको रिझाने में लग गई है। आपको बता दें कि बंजारा समुदाय की धमाका महारैली में जहां सारे बंजारा समुदाय के लोग एकजुट होकर बीजेपी का साथ देने का दम भर रहे हैं, तो वहीं पूर्वांचल से बीजेपी का ओम प्रकाश राजभर सूपड़ा साफ करने की बात कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है और हमारे भाई सरनाम सिंह नायक की ये सामाजिक कार्यक्रम है, तो सरनाम सिंह नायक की भीड़ ओम प्रकाश राजभर की भीड़ से कम नहीं है। इन्होंने तो केवल सामाजिक चेतना के लिए भीड़ बुलाई थी, किसी राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं। रही बात ओम प्रकाश जी, जो भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से बने थे, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से विधायक बने थे, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से मंत्री बने थे, और जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिए तो स्वाभाविक रूप से पुनर्मूषको भव उनकी जो पहले हालत थी वो होगी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दामों में 31 से 44 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे में देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम अब आम आदमी की आमदनी पर पूरा असर डाल रहे हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल का दाम 108.99 रुपए प्रति लीटर पहुँच चुका है, जबकि डीजल का दाम 97.72 रुपए प्रति लीटर पर
है, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए के पार हो चुकी है तो डीजल की कीमत भी 105 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल का दाम 109 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है तो डीजल का दाम भी 100 रुपए के ऊपर मिल रहा है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 105.74 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है तो डीजल भी 101.92 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार हर बीते दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में तो पेट्रोल 108 रुपए प्रति लीटर हो चुका है, जिससे देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से आम जनता की आमदनी पर पूरा असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में खाद्य विभाग की टीम दीपावली पर्व को देखते हुए लोगों तक शुद्ध खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। वहीं इसी को देखते हुए खाद्य की टीम की ओर से चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि चार लोग मिलकर 3 क्विंटल खोवे की बाजार में बिक्री करने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 क्विंटल खोवा के साथ चार लोगों को पकड़ लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। तो मऊ का यह पूरा मामला है जहाँ पर 3 क्विंटल खोए के साथ चार लोग गिरफ्तार हो गए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं एक खोआ किस तरह से पकड़ा गया है और सतर्क खाद्य विभाग इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि दिवाली अब बेहद करीब है, इसीलिए मिलावटी सामान मिलावटी खोए की जानकारियां तमाम जगह से सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए खाद्य विभाग की टीम पूरी तरह से सतर्क है और लगातार चेकिंग कर रही है, छापेमारी कर रही है, जिसके तहत मऊ में 3 क्विंटल खोए के साथ चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में आज एक चेकिंग के दौरान यहां रेलवे स्टेशन के सामने कुछ लोग खोआ लेते हुए ले जाते हुए पाए गए। पूछने पर वो बताया कि बिक्री के लिए ले जा रहे हैं। 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोग मौके पर हैं, रविंदर भोला इत्यादि, इनके जो खोया लिए हैं इनसे इनका जांच कराया जा रहा है, नमूना लिया जा रहा है। खोआ शुद्ध खोआ हमारा है, खोआ है सर। क्यों पकड़ लिया गया है? अब साहब पकड़े हैं, अब क्यों पकड़े हैं? कहाँ से लेके आए थे खोआ? हमने सैदपुर से लाए थे, गाज सैदपुर से। कितना है वजन? कितना था आपका? हमारा 40-45 किलो है। अलीगढ़ में एक ठेकेदार ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी के साथ ठेकेदार के पास पैसे मांगने गया था। वहीं इस दौरान गुस्साए ठेकेदार ने युवक और उसकी पत्नी से मारपीट की, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो अलीगढ़ का यह पूरा मामला है जहाँ पर ठेकेदार ने युवक और उसकी पत्नी को जमकर पीटा। आपको बता दें, दोनों पति पत्नी ठेकेदार से पैसे मांगने के लिए गए थे, लेकिन गुस्साए ठेकेदार ने उन दोनों पर ही वार कर दिया और दोनों को काफी पीटा, जिसके बाद दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। और वही मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बात तो और मेरे पे आया फोन शेखर का, और शेखर और उसका अवतार का लड़का है, और उन्होंने मुझ पर किया फ़ोन, बोले और तू अपने पैसे ले जा। मैं हथका मंडी पे जो मैं पैसे लेने जो मैं पहुँचा हूँ, फिर उसने हथका है लिखा थकनी और पिस्टल लिखा रही है, उसने मेरी जो मेरी मारी है बट। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? क्या रंगी चल रही कोई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो मैंने काम किया था अम्बाला, और मेरे पैसे थे। मेरठ के सरतना में अवैध रूप से चल रही कई मावा भट्टी पर फूड विभाग की टीम ने छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान कई किलो नकली मावा और नकली मावा बनाने वाली सामग्री जब्त कर फूड इंस्पेक्टर ने नष्ट कराई। आपको बता दें कि दीपावली के पर्व को देखते हुए खाद्य विभाग की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो मेरठ के सरतना का पूरा मामला है जहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कई किलो नकली मावा पकड़ा है और उसको नष्ट किया है फूड विभाग के इंस्पेक्टर की तरफ से। आपको बता दें, लगातार त्योहारों की वजह से बाजारों में अब इस तरह के नकली मावे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आम जनता के
स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। लेकिन उधर फूड विभाग भी पूरी तरह से सतर्क हो चुका है और लगातार इसीलिए छापेमारी की जा रही है और मेरठ के सरतना में भी कई किलो नकली मावा नष्ट कर दिया गया है। ये लगातार कार्यवाही हमारी पिछले चार दिनों से चल रही है और अभी आगामी दीपावली तक ये चलती रहेगी और पूरे जनपद में हमारी 5 टीमें बनाई गई हैं जिसमें एक टीम हमारी सरधना तहसील के लिए काम कर रही है। उप जिलाधिकारी महोदय भी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं समय समय पर। जैसे बाजार में मिठाइयाँ बन रही है उनके लिए क्या कार्रवाई? हर खाद्य पदार्थों के लिए है हमारा, खाद्य तेल हो, वनस्पति हो, मिठाइयाँ हो, रंगीन मिठाइयाँ हो या मावा हो जो विशेषकर इन त्योहारों पर इस्तेमाल होता है उनके विरुद्ध ये कार्यवाही हमारी चल रही है। पब्लिक को जागरूक करने के लिए क्या मैसेज देंगे आप? ये हम किस तरीके से पब्लिक को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि रंगीन मिठाइयाँ खाने से वो बचें। रंगीन जो भी आपको सामान दिख रहा हो मार्केट में, वो चाहे किसी भी तरह का खाद्य रंग है या खाद्य रंग है या आप देख करके नहीं पहचान रहे। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक कार में अचानक आग लग गई। वहीं देखते ही देखते इस भीषण आग ने पूरी कार को जलाकर खाक कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर जब पहुंची तो पूरी तरह से कार जलकर राख हो चुकी थी। तो नोएडा का ये पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद काफ़ी देर बाद दमकल विभाग की गाड़ी पहुँची। तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी और जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। ऐसे में गाड़ी में आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन ये ज़रूर है कि गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है इस आग की वजह से। पाली में लुटेरों ने कैश जमा कराने जा रहे युवक को अपना निशाना बनाया। आपको बता दें कि युवक के जाते समय कुछ बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया और उसे 20 लाख की लूट करके मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो पाली का ये पूरा मामला है जहाँ पर युवक से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और आपको बता दें बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया और ऐसे में पुलिस को अब जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। आज दिन में करीब 12:30 के आसपास सूचना मिली कि मस्तान बाबा से नर्सिंग फास्ट फूड की तरफ जाने वाली जो रोड है वहां एक व्यक्ति जो बैंक में कलेक्शन जमा करवाने जा रहा था उसके साथ लूट की घटना हो गई। मौके पर मैं हमारे सीओ साहब एडिशनल एसपी साहब मौके पर पहुंचे, वहां पता किया तो एक विकास नाम का लड़का जो अलग अलग एजेंसी से पैसे कलेक्ट करके और एक्सिस बैंक में जो मस्तान बाबा पर है वहां जमा कराने जा रहा था, तो उसके पीछे से 2 मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति आए, उसको चाकू दिखा के उससे बैग जिसमें कैश था वो लूट कर ले गए। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 25 लाख के स्मैक और अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर पुलिस रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग कर रही थी कि तभी एक मुखबिर ने सूचना दी कि रेलवे स्टेशन पर 2 व्यक्ति काफी देर से संदिग्ध अवस्था में बैठे हैं और इनके पास कोई संदिग्ध वस्तु है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रेलवे स्टेशन की घेराबंदी कर ली। वहीं दोनों युवक इस दौरान पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनके पास से अफीम बरामद की गई है। आपको बता दें दोनों ही आरोपी बरेली जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो पूरा मामला रुद्रपुर का है जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अफीम और स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इनके पास से अफीम और स्मैक को बरामद भी किया है। दरअसल त्योहारों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है, पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। इसी को देखते हुए लगातार सभी जिलों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रेलवे स्टेशन पर ये 2 तस्करों को पकड़कर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। 2 अफीम और स्मैक तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है, इनके पास से 25 लाख की स्मैक और अफीम को बरामद भी किया है। थाना किच्छा के हमारी टीम ने इसमें को लीड जो है एसएसआई राजेश पांडे कर रहे थे, इन्होंने 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया रेलवे स्टेशन किच्छा के पास। उसमें एक सरफराज नाम का व्यक्ति है
ये बरेली का रहने वाला है। इससे 200 ग्राम का स्मैक, 900 रुपये और एक मोबाइल ओप्पो टॉच एक्सेस करने वाला इसको बरामद किया गया है। इस 200 ग्राम का स्मैक जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 20 लाख की आगे जा रही है। इसी प्रकार से भूपेंद्र पाल दूसरा जो व्यक्ति है ये भी बरेली का रहने वाला है और इससे 452 ग्राम अफीम, इससे एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का टच स्क्रीन वाला बरामद हुआ है। इन दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग बरेली जनपद पुलिस से प्राप्त कर रहे हैं और पूरा जो जैसे 200 ग्राम स्मैक और 452 ग्राम अफीम अंतर्राष्ट्रीय पूरा देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकी कीमत जो है 25 लाख है। 16वीं G20 लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम जाएंगे और इस दौरान पीएम मोदी पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। पीएम मोदी आज इटली के विदेश मंत्री कार्डिनल पियोत्रो पारोलिन से मुलाकात करेंगे और इसके लिए वेटिकन सिटी भी पहुंचाएंगे। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर तक रोम, इटली और वेटिकन सिटी के दौरे पर हैं। इटली पहुँचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित भी किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और इटली के पीएम ड्रागी ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दे पर चर्चा की। 12 बजे वेटिकन सिटी के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे और 1:45 पर पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन से भेंट कर बातचीत करेंगे। आपको बता दें 5:35 पर G20 शिखर सम्मेलन में आधिकारिक स्वागत और सामूहिक फोटो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पहले सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसके बाद 6:10 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंह लूंग के साथ बैठक भी करेंगे। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड में पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। वो देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें बीजेपी ने जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अमित शाह राज्य सरकार की घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ करेंगे। ऐसे में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा स्थल का औचक निरीक्षण किया और जिला अधिकारी से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए की जाएं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि अमित शाह शनिवार को देहरादून पहुंचकर सबसे पहले घसियारी कल्याण योजना और सहकारिता विभाग से जुड़ी कुछ अन्य योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद उनकी एक भव्य जनसभा होगी। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में आपको बता दें जनसभा संबोधित करने के बाद अमित शाह ITRD ऑडिटोरियम में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक लेंगे। बैठक में वो चुनावी तैयारियों की नब्ज को टटोलेंगे, साथ ही विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान करेंगे। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। बीजेपी के भीतर दल बदल की चर्चाओं के बीच शाह के इस दौरे की कई सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। अमरोहा में जोया रोड स्थित जोई के मैदान में शनिवार को भाकियू टिकैत गुट की किसान महापंचायत होने जा रही है। हजारों किसानों के बीच राकेश टिकैत हुंकार भरेंगे। महापंचायत में मंडल भर के हजारों किसान शामिल होंगे। आपको बता दें भाकियू नेताओं ने महापंचायत स्थल का जायजा लिया, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है। भाकियू टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर को किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान पंचायत जोया रोड से जोई के मैदान में प्रस्तावित थी, लेकिन बारिश होने की वजह से पंचायत को स्थगित कर दिया गया था, इसीलिए यह पंचायत आज की जाएगी। इसके लिए प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी दानवीर सिंह और जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों के साथ मैदान का जायजा लिया। इसके अलावा तहसील और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने गाँव गाँव पहुंचकर किसानों के महापंचायत में पहुंचने की अपील भी की। उधर किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। SP ने बताया है कि सुरक्षा के लिहाज से 1000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा एक कंपनी PSC भी तैनात कर दी गई है।
कानपुर में वायुसेना के वारंट ऑफिसर के में जीका वायरस मिलने के बाद ताजनगरी में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है। आपको बता दें ताजमहल पर विशेष स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया है कि कानपुर में सैन्य अफसर में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद आगरा में एहतियातन तैयारियां कर ली गई है। आगरा में कोई दूसरे शहर से यात्रा कर लौटता है या उसके रिश्तेदार पहुंचते हैं तो उनको उनकी जाँच की जाए कि ऐसे में उनको तेज बुखार मांसपेशियों में दर्द है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। रैपिड रिस्पांस टीम उनकी स्क्रीनिंग कराते हुए नमूना लेकर जांच भी कराएगी। ये बीमारी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होती है और 2 से 7 दिन में लक्षण उभरने इसके लगते हैं। एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जेल से मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दें सुबह 5:30 बजे ही आर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स खोल दिया गया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। पहले तो आर्यन को शुक्रवार को ही छोड़ने की बात सामने आ रही थी लेकिन बेल ऑर्डर अधिकारियों तक नहीं पहुंचा जिस वजह से उन्हें 1 रात और जेल में बितानी पड़ी। अब आज शाहरुख के बेटे आर्यन की मन्नत पूरी होने जा रही है। आर्यन समेत तीनों आरोपियों को गुरुवार के बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। शुक्रवार दोपहर कोर्ट ने बेल ऑर्डर भी जारी कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी आर्यन जेल से बाहर नहीं आ सका। दरअसल आर्यन की बेल कॉपी 5:30 बजे तक मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंचना था लेकिन तय समय में वो नहीं पहुंच सकी और पूरे मामले में आर्यन खान के वकील रहे सतीश मान शिंदे कोर्ट से बेल कॉपी लेकर जेल की ओर रवाना हुए। समय पर कॉपी लेकर जेल नहीं पहुंचने की वजह से शाहरुख के बेटे को 1 और रात जेल में काटनी पड़ी। उधर आर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने यह भी बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंचने की पुष्टि की। यदि समय पर बेल ऑर्डर की कॉपी जेल पहुंच जाती तो आर्यन शुक्रवार को ही जेल से बाहर आ सकते थे। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला आर्यन खान की ओर से जमानती बनी है। आपको बता दें उन्होंने ही कोर्ट में आर्यन की बेल से जुड़े कागजातों पर साइन किए। आर्यन को हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर सशर्त बेल दी है। वकील सतीश मान शिंदे ने बताया है कि आर्यन को जूही बचपन से ही जानती हैं और प्रोफेशनली जुड़ी भी हुई है। इसके बाद जज ने उन्हें बतौर जमानती स्वीकार कर लिया है। देश में कोरोना के प्रसार के बाद से कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। कोरोना के मामले घटने के साथ ही ये प्रतिबंध अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। ऐसे में अब आदेश आया है कि दिल्ली में सिनेमाघर थिएटर और मल्टीप्लेक्स 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। जी हां, डीडीएमए ने इससे संबंधित एक औपचारिक आदेश जारी किया है। इससे पहले सिनेमाघरों को सिर्फ 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत थी। हालांकि रेस्टोरेंट बार ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। इधर शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,348 नए केस सामने आए हैं। हालांकि इस साल 3 मार्च-4 अप्रैल में आई कोरोना की दूसरी लहर ने देश को पूरी तरह से दिया था। हालांकि अब काफी राहत है लेकिन दीपावली और छठ पूजा के बाद तीसरी लहर के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि हमें इससे बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन करना होगा। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को कतई नहीं भूलना चाहिए। बीकानेर में बीएसएफ वेलफेयर द्वारा मेले का आयोजन किया गया। बीएसएफ आईजी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि बीएसएफ हर साल मेले का आयोजन करता रहा है लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से मेला नहीं लगाया जा सका था लेकिन इस बार मेला लगाया गया है जिसमें खाने पीने और अन्य सामग्री के स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें कई वस्तुएँ मिल रही हैं। मेले से जवानों को समय समय पर उत्साहित होते रहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।